पूरे देशवासियों से एक अपील है, कल हमारी नार्को टेस्ट करा लो, नार्को टेस्ट करा लो, सच्चाई दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब क्यों आवाज उठा रहे हो? लेकिन हमारे में एक एमपी को बचाने के लिए सब कुछ लगा दिया, इसको कभी जाति का रूप दे रहे हो आप, कभी कभी राजनीति मुद्दा बना रहे हो। तो कल हम सब ब्लैक पट्टी बांध के और अपना विरोध जताएंगे। क्या है तो जहां हमने सबूत देने थे वहां दे दिए, अब है कि नार्को टेस्ट करा लो, सच्चाई दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। टाटा मोटर समेत 5 साल से सपोर्ट कर रहे हैं रेसलिंग को, सो आप लोगों के माध्यम से मैं रतन टाटा जी से अनुरोध करती हूँ कि रेसलिंग में जो उन्होंने पैसा दिया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, खिलाड़ियों को सहयोग देने के लिए, रेसलिंग को कितना आगे लेके जा सकते हैं उसके लिए, तो एक जो भी है वो उनको देखना चाहिए कि क्या खिलाड़ियों तक वो चीज़ पहुँची है कि नहीं पहुँची है। उनको वो जानकारी रेसलिंग फेडरेशन से लेनी चाहिए कि जो उन्होंने पैसा दिया है खिलाड़ियों के आगे बढ़ाने के लिए, उनके भले के लिए, या जो भी ओलंपिक सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए, तो उसके लिए उनको इंक्वायरी करनी चाहिए कि वो जो उन्होंने पैसा दिया है वो सही जगह पे डाइल्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है। और वो बार बार में टूर्नामेंट की बोल रहे कि भाई खिलाड़ी टूर्नामेंट नहीं होने दे रहे, तो हमने तो कभी रोका ही नहीं है, पर जिस पे एलिगेशन लग रहे वो कैसे टूर्नामेंट करवा सकते हैं? अभी आईओ ने जो कमेटी बनाई है मैं उनसे अनुरोध करूंगा आप सारे टूर्नामेंट करवाइए, हम भी नहीं चाहते। वो बार बार बोल रहा है कि ये तो थोड़े खिलाड़ी बैठे, हम तो खुद बोल रहे हैं कि भाई हम खिलाड़ियों को इसलिए नहीं बुला रहे यहाँ पे क्योंकि उनकी ट्रेनिंग पे असर पड़ेगा। जो कमेटी आईओ ने बनाई है वो कमेटी सारे टूर्नामेंट करवाए, हम उनका स्वागत करते हैं कि भाई आप कोई भी, क्योंकि इसमें देश का भी नुकसान हो रहा है, खिलाड़ी बाहर खेलने के लिए जाएंगे, मेडल जीतने हैं, एशियन गेम्स है, ओलंपिक क्वालिफाई है, बड़े बड़े टूर्नामेंट है, वो कमेटी करवाए, ना कि जिस पे आरोप लगे हुए हैं वही इसमें टूर्नामेंट करवाए। तो मैं उनसे आईओ की कमेटी से अपील करूँगा आप जितने भी टूर्नामेंट रुके हुए हैं वे सभी टूर्नामेंट करवाए जाए। और दूसरी चीज़, जो उनके पक्ष में 2-3 हमारे रेसलिंग के कोच बोल रहे हैं जिन पे रेप का केस है, सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, जो खुद वो केस है, अभी उनका एक कोच का तो अभी 30,000 कोर्ट में, जो महावीर बिश्नोई प्रसाद हैं, एक नरेश कुमार है जो बोल रहे हैं, उन पे खुद रेप का केस है, वो अभी जेल से छूट के आए हैं, वो लोग उनका पक्ष लेके बोल रहे कि भाई नेताजी ठीक है, आपके नेताजी आप जैसे ही हैं, जैसे आप जेल से आए हैं ऐसे अब उनको उनकी बारी आई हुई है। तो मैं आपसे वो यही चीज़ बोलूँगा कि आप सही का साथ दीजिए ना कि गलत का, ये भारत की बेटियों की लड़ाई है और ये सही और गलत की लड़ाई है। अगर आज हम अपनी बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पाए तो आने वाला भविष्य हमारे लिए बड़ा बुरा होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात है, जैसे सब बोल रहे हैं अब क्यों आवाज़ उठा रहे हो, प्रिया रहमानी है, उन्होंने 20 साल बाद अपनी आवाज़ उठाई थी और जिनके ऊपर एलिगेशन लगाए थे उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया, और हमारा जो देश है महाभारत रामायण महिलाओं के सम्मान के लिए लिखी गई थी, तो हमारा हक बनता है कि हम आज उठाएं, कल उठाएं, 10 दिन बाद उठाएं, इतना हमें हक है और हम एक आज़ाद देश में रहते हैं, तो हमने ठीक समझा तो हमने आवाज़ उठाई है। अभी आज ही एक न्यूज़ पढ़ रहे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो, उनके ऊपर एक एलिगेशन लगे थे तो उनको जेल जाना पड़ा। तो हमारे देश में एक एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको, उनके ऊपर एलिगेशन लगे, उनको बचाने में सब कुछ लगा हुआ है। हमारे देश में कानून अलग से है क्या, अमीर लोगों के लिए या जो ये राजनीति में लोग उनके लिए अलग कानून है क्या? जो एक राष्ट्रपति था अमरीका का, डोनाल्ड ट्रंप था, उनको जेल हो चुकी इसी सेक्सुअल हरासमेंट के केस में, लेकिन हमारे में एक एमपी को बचाने के लिए सब कुछ लगा दिया, उसको अभी तक उससे पूछताछ तक नहीं की गई है, वो हर तरीके से उनके आईटी सेल खिलाड़ियों को बुला बराबर थाने के लिए लगी हुई है। अगर मैं पूछना चाहता हूँ जो सोशल मीडिया पे या किसी भी न्यूज़ के माध्यम से वो बोल रहे हैं, अगर आपकी बहन बेटियाँ होती तो आप ये सवाल करते? इसको कभी जाति का रूप दे रहे हो आप, कभी कभी राजनीति मुद्दा बना रहे हो, कभी इसमें स्टेट का बोल रहे हो कि ये स्टेट है, ये स्टेट है, पूरा भारत आज बेटियों के साथ खड़ा है। बस कुछ न्यूज़ चैनल हैं जो इसको दिखाने में थोड़ी सी हिचकिचाहट कर रहे हैं, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि सच्चाई को आप छुपा सकते, दबा नहीं सकते, सच्चाई वो थोड़े दिन बाद लकड़ के आएगी,
तो वो जरूर इस चीज में न्याय मिलेगा। थोड़ा समय लग सकता है, वो बोलते भगवान के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। पूरे देशवासियों से एक अपील है, कल हमारी जो भी स्टूडेंट्स हैं, किसान संगठन है, महिला संगठन है या खिलाड़ी है, तो कल ब्लैक पट्टी बांध के हम एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं महिलाओं के लिए, जो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं न्याय के खिलाफ में। तो आप सब से अनुरोध है कि आप भी प्लीज हमारे इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। तो कल हम सब ब्लैक पट्टी बांध के और अपना विरोध जताएंगे। और सोशल मीडिया पे उसको अपलोड करें, हमें टैग कर दीजिए उसको, काली पट्टी को बांध के। देखिए ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है कि अभी भी हमें सुप्रीम कोर्ट पे भी पूरा भरोसा था, हमें अपने देश की न्यायपालिका पे हमेशा भरोसा रहा है और आज भी भरोसा है, हमेशा भरोसा कायम रहेगा। तो जो भी आज कोर्ट से जो आया है आदेश, तो पुलिस से भी उन्होंने तलब किया है कि आपने क्या किया है, दो दिन बाद में हियरिंग, तो एक चल रहा है प्रोसेस लीगली जो कर पा रहे हैं। और बस एक न्याय की उम्मीद है, हमें विश्वास है अपनी न्यायपालिका पे, बस इतना ही कहना चाहूँगी। और जो ब्लैक पट्टी का जो समर्थन जो विरोध दिखाना चाहते हैं, वो सुबह 10 बजे से और दोपहर 2 बजे तक का टाइमिंग है, उसके बीच में आप इस चीज़ को हमारा मतलब हमारा समर्थन दे सकते हैं। मैं आपको और क्लियरली बता देती हूँ, इसलिए डर रहे हैं क्या, इतने सालों तक जो आवाज दबा रखी थी लड़कियों के साथ में जो शोषण हो रहा है या खिलाड़ियों के साथ में, तो उनको इस चीज़ से घबराहट हो रही होगी शायद कि आज ये आवाज़ कैसे उठ गई, इसलिए हमारे बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं। आज ये आवाज़ उठी है, उनको समर्थन करना चाहिए, खिलाड़ियों की जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व करना चाहिए, ना कि ऐसे बोल के कि देश की छवि खराब हो रही है, कभी बोल रहे खिलाड़ियों की छवि खराब हो रही है। ये छवि जो दबा रखी थी वो हम ओपनली बोल रहे हैं, उनको हम पे प्राउड होना चाहिए कि खिलाड़ी आए हैं तो हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए, ना कि हमें ऐसा महसूस करवाएं कि हम गलत हैं। मैडम देखिए वो इतने बड़े पद पे बैठे हैं, आपको लगता है वो जांच होने देंगे? 6 दिन तक FIR भी नहीं होने दी उन्होंने, अगर वो बाहर रहेंगे तो जांच का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। पुलिस अभी भी उनको बचाने की कोशिश कर रही है, उनका पद लिया जाए, उनको जेल में डाल के इंटरोगेशन किया जाए, उनको कोई फांसी पे थोड़ी लटका रहे हैं, अंदर ले जाके उनको पूछताछ तो कर रहे हैं, वो एक नॉर्मल से पूछताछ है, वो क्यों नहीं सही हो कर रहे हैं, वो कितने सही है, वो तो उनके ऊपर जो केस लगे हैं उनसे पता ही लग रहा है। हम खिलाड़ियों पे कोई एक भी केस है क्या जो हम उनकी इमेज खराब कर, जिनकी इमेज पहले से ही खराब है उसको क्या खराब किया जाएगा? हम सब भी ने इतना डिले किया है, शायद हमारी भी इसमें गलती रही है कि हमने इतने साल तक इस चीज़ को, इस शोषण को हमने बर्दाश्त किया। आज हम बोले हैं तो आज सबको साथ आने की जरूरत है, पूरा देश साथ में खड़ा है। जो भी लोग डरे हुए हैं अब भी घरों से नहीं निकले हैं, तो हम उन सब से अपील करना चाहते हैं कि आप घरों से निकलिए, ये बहुत हाई टाइम आ गया है कि देश में जो भी हो रहा है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं। और अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो फिर आगे की प्रगति कैसे होगी? महिलाएं ही तो जन्म देती हैं इंसान का, अगर वही सुरक्षित नहीं है तो देश, हमारा देश कहाँ प्रगति करेगा, कहीं प्रगति नहीं कर सकता है। मैडम जो बोल रहा है उनको ले आइए, न्याय दिला दीजिए, हम उठ के चले जाएंगे। अगर उनकी बहन बेटी होती तो वो बोलते कि राजनीति मुद्दा है। राजनीति पार्टियों को क्या लगता है कि लड़की आवाज उठाएंगे तो मतलब उनको सहन नहीं होता है क्या? ये लड़कियों ने आवाज उठाई है, उनका सम्मान करना चाहिए, सम्मान करने की बजाय वो बोल रहे हैं तो इसका मतलब हमारे संविधान को ही वो गालियां दे रहे हैं।